हेलो एवरीवन, टिकलेज एकेडमी ऑफ मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पार्शियल डिफरेंशिएशन का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके थ्री प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के और भी कई टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का फोर्थ प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो देखिए, जो आज हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है वो आपके सामने है। यहाँ पे क्या लिखा है एक बार चेक कर लेते हैं। इफ यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस वन बाई टू, देन प्रूफ दैट दैट इज डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जीरो, ये हमें प्रूफ करना है। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो यहाँ इक्वल्स टू के लेफ्ट साइड में यू है और इक्वल्स टू के राइट साइड में एक्स वाई जेड है। इसका अर्थ यह है कि यू इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। इसका मतलब u जो है वो फंक्शन है और x, y, z जो है वो उसके वेरिएबल्स हो गए। तो यहां पे अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे, गिवन दैट में डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर है, इसका मतलब u को डिफरेंशिएट करना है दो बार विद रिस्पेक्ट टू x। यहां पे भी u को डिफरेंशिएट करना है दो बार विद रिस्पेक्ट टू y, देन यहां पे u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z, वो भी दो बार, देन सभी को ऐड करना है और जीरो आता है कि नहीं वो हमें प्रूफ करना है। तो चलो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो जब आप u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y और z जो है वो कांस्टेंट रहेंगे, जब आप y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट रहेंगे, और जब आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो x और y कांस्टेंट रहेंगे। ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का रूल है। तो चलो यहां पे जो गिवन इक्वेशन है वो हम सबसे पहले लिख लेंगे। u equals to that is x square plus y square plus z square to the power minus 1 by 2, ये दिया हुआ है और अब हमें इसको डिफरेंशिएट करना है। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। तो हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, हम यहां लिखेंगे पार्शियली, दैट इज पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे बाय कीपिंग y and z as a constant। तो फाइनली हमें ये u, इट मीन ये इक्वेशन नंबर 1 को हमें डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ताकि हमें डेल u बाय डेल x मिल जाए। फिर हम इसको एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तब जाके डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर मिल जाएगा। इट मीन ये जो फर्स्ट टर्म है ये हमें तब मिलेगा। तो चलो फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहां पे लेफ्ट साइड में हो जाएगा दैट इज डेल u बाय डेल x। देखिए लेफ्ट साइड में डेल u बाय डेल x हो गया क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, इसलिए डेल u बाय डेल x। और राइट साइड में अब आपको इसको डिफरेंशिएट करना है तो यहां पे ये देखिए ये पूरा ब्रैकेट का पावर देखिए माइनस वन बाय टू है, ये ब्रैकेट का पावर है। यहां पे हम फार्मूला यूज करेंगे x टू द पावर n का। देखिए फार्मूला एक बार आपको लिख के दे देते हैं यहां पे, दैट इज डेल बाय डेल x ऑफ x टू द पावर n होता है n x टू द पावर n माइनस 1, और बाद में यहां x को भी डिफरेंशिएट करना होता है। तो ये x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन है, तो यहां पे भी ये x टू द पावर n के फॉर्म में है। ये जो पूरा ब्रैकेट है ये पूरा ब्रैकेट एज x मान के चलो x टू द पावर n, n का वैल्यू क्या है माइनस 1 बाय 2 है, तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n x टू द पावर n माइनस 1 है। तो हम यहां n का वैल्यू लिखेंगे, n का वैल्यू माइनस 1 बाय 2 है, देन x मतलब ये पूरा जो x हमें यहां लिखना है, x मतलब पूरा ब्रैकेट, तो पूरा ब्रैकेट लिखेंगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, और जो पावर है देखिए पावर में n माइनस 1 करना है, n जो कि माइनस 1 बाय 2 है, तो ये माइनस 1 बाय 2 माइनस 1 माइनस 1 बाय 2 माइनस 1, और अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाय 2, और बाद में इनटू हमने कहा था कि डिफरेंशिएशन ऑफ इनर टर्म्स, आपको यहां पे x को भी डिफरेंशिएट करना होता है, तो यहां पे इनर टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया ट्वाइस x, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, z स्क्वायर का 0, आप चाहे तो ऐसा 0 0 ऐसा लिख सकते हैं। इट मींस हमें ब्रैकेट का भी डिफरेंशिएशन करना होता है, तो वो हमने कर दिए और अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ये थोड़ा सॉल्व हो सकता है कैसे, देखिए यहां पे ये जो 2 है ये 2 और ये 2 कट जाएगा क्योंकि यहां पे ट्वाइस x है, वो 0 तो नहीं के समान है, तो यहां ट्वाइस x है, 2 और 2 कट गया और ये माइनस एज इट इज बच गया। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे दैट इज डेल u बाय डेल x इक्वल्स टू, ये माइनस एज इट इज है, देन ये रहेगा x square plus y square plus z square to the power, ये minus 1 by 2 minus 1, it means ये हो गया minus 3 by 2, हमने इसमें cross multiplication करना है, और then यहाँ पे into x, तो ये देखिए ये हमने ऐसा differentiation कर लिए, इसको equation number 2 दे देंगे, तो ये del u by del x हमें मिल गया, लेकिन हमें del u by del x नहीं, हमें del square u by del x square चाहिए, तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ेगा, ये equation number 2 को differentiate करना पड़ेगा with respect to x, तब जाके यहाँ पे आपको del square u by del x square मिलेगा। तो चलो यहाँ differentiation करेंगे, तो हम यहाँ फिर से लिखेंगे, that is partially differentiate,
पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर टू विथ रिस्पेक्ट टू x, और जब आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली y और z कांस्टेंट है, तो यहां हम लिखेंगे y एंड z कांस्टेंट, y और z कांस्टेंट है, तो यहां पे डेल u बाय डेल x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर। देखो हमने x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लिए, डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर मिल गया, जो हमें प्रूफ दैट में फर्स्ट टर्म चाहिए था वो हमें मिल गया। और अब हमें यहां पे अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो देखो ये जो ब्रैकेट है इसमें भी x है और यहां पे भी x है, इट मींस x के दो टर्म्स हो गए, इसका मतलब यहां x का प्रोडक्ट है, इसका मतलब हमें यहां डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल क्या है, देखिए प्रोडक्ट रूल बहुत ही आसान है, हम यहां आपको प्रोडक्ट रूल लिख के दे देते हैं। तो देखिए हम यहां लिखेंगे डेल बाय डेल x ऑफ दैट इज फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म। देखिए हम यहां पे प्रोडक्ट रूल लिख के बता रहे हैं क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, फर्स्ट टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म, ठीक है, प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये है प्रोडक्ट रूल, ये सिंपल इक्वेशन। पहले आपको फर्स्ट टर्म लिखना है, ये देखिए फर्स्ट टर्म आया, देन आपका सेकंड टर्म का डिफरेंशिएशन, देन सेकंड टर्म आया, फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन। और बहुत ही आसानी से हम यहां लिखेंगे फर्स्ट टर्म, यहां ये जो पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट मतलब फर्स्ट टर्म है, देखिए ये है फर्स्ट टर्म और ये x मतलब ये सेकंड टर्म है, तो ऐसे में डिफरेंशिएट करना आसान है। ये जो माइनस है ये माइनस बाहर ही रहने दो, और ये ब्रैकेट में अब हम लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस थ्री बाय टू, ये फर्स्ट टर्म हो गया, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, मतलब ये सेकंड का डिफरेंशिएशन, मतलब ये x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, दैट इज 1 हो जाएगा, प्लस सेकंड टर्म इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट टर्म, ये हमने सेकंड टर्म लिख दिए। अब आपको फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन मतलब ये पूरे ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन करना है, तो ये ब्रैकेट में इसका पावर देखो माइनस थ्री बाय टू है, तो सबसे पहले आप पावर यहां बाहर निकालेंगे, माइनस थ्री बाय टू ये जो पावर है ये हमने बाहर लिख दिए, देन इनटू यहां ब्रैकेट, और अब हम लिखेंगे ब्रैकेट दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जो ब्रैकेट है ब्रैकेट का जो पावर है वो एक से कम हो जाएगा, तो उसका पावर माइनस थ्री बाय टू है, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू माइनस वन, देखिए माइनस थ्री बाय टू माइनस वन, और बाद में इनर टर्म्स का डिफरेंशिएशन, ये जो अंदर की टर्म्स है उसमें उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ट्वाइस एक्स, वाई स्क्वायर का जीरो और जेड स्क्वायर का वो भी जीरो, तो ये देखिए फाइनली पूरा डिफरेंशिएशन, और ये जो बड़ा ब्रैकेट है वो हम यहां कंप्लीट कर देंगे। तो इसको पहले समझ लो, ये जो हमने लिखा है, तो देखिए ये हमने माइनस यहां बाहर लिख दिए, ये पूरा फर्स्ट टर्म आ गया, यहां पे जो हमने फार्मूला लिखा के दिए फर्स्ट टर्म सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वही हमें अप्लाई करना है। तो यहां ये देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है वो यहां आ गया, देन सेकंड का डिफरेंशिएशन वन प्लस सेकंड टर्म, और ये हो गया फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये फर्स्ट टर्म का डिफरेंशिएशन जो किए उसमें पावर का पावर जो है वो हमने यहां बाहर ले लिए, देन ब्रैकेट का पावर जो है वो एक से कम हो गया, देन ब्रैकेट का स्क्वायर हमने किए। यहां पे हमने वही फार्मूला लगाया जो हमने ये लिख के दिया है x टू द पावर n, बिल्कुल यही फार्मूला हमने यहां लगा दिया, दैट इज n x टू द पावर n माइनस वन, और बाद में इनर टर्म्स का डिफरेंशिएशन। और अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये सॉल्व हो सकता है कैसे, देखिए ये जो निगेटिव है ये निगेटिव से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा निगेटिव दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस थ्री बाय टू, ये सिर्फ हमने यहां माइनस से मल्टीप्लाई किए, और ये फिर से प्लस हो जाएगा, क्योंकि अगर आप माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर से माइनस आएगा, और ये देखिए इधर का भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहां पे प्लस हो जाएगा, देन ये जो टू है ये कट जाएगा, क्योंकि यहां पे ट्वाइस एक्स है, तो यहां का ट्वाइस एक्स का टू और ये टू ये दोनों कट जाएंगे, देखिए ये कट गया, और क्या बचेगा, ये जो एक्स है ये एक्स को यहां बाहर ले लो थ्री के साथ, तो ये हो जाएगा दैट इज थ्री एक्स स्क्वायर, और यहां पे हम लिखेंगे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और इसका पावर जो है माइनस 5 by 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 by 2 minus 1 मतलब minus 5 by 2, तो फाइनली हमने ये del square u by del x square find out कर लिए। हम इसको equation number A दे देंगे, हमने इसको equation number A कहा, it means proof that में जो first term है वो हमें मिल गया, देखिए proof that का first term that is del square u by del x square ये हमें पूरा मिल गया, और अब हमें सेकंड टर्म फाइंड आउट करना है डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, इट मींस हमें फिर से यू को डिफरेंशिएट करना है दो बार, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई, जब आप इसी को वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे दो बार तो आपको डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर मिलेगा। ऐसे ही कुछ इक्वेशन आएंगी, बस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, देन फिर से हम यू को दो बार डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो हमें फिर से ऐसा ही इक्वेशन मिलेगा, लेकिन हम जेड का डिफरेंशिएशन लिखेंगे नहीं, हम सिर्फ वाई का डिफरेंशिएशन लिखेंगे, जेड का डिफरेंशिएशन हम डायरेक्टली सिमिलर टर्म्स में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जो हमने एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए, हम यहां पर उसका आंसर जो है फिर से यहां लिख लेते हैं, डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर जो हमने प्रूफ किए हैं वो यहां पर, ये जो पूरा का पूरा आंसर है वो हम यहां लिख लेते हैं।
तो ये देखिए पूरा का पूरा हमने वही आंसर लिख दिया, हमने इसको फिर से इक्वेशन नंबर ए दे देंगे। देखिए हमने क्या किया, यही इक्वेशन वहां ऊपर लिख दिए, क्योंकि अब हमें यहां पे विद रिस्पेक्ट टू वाई के लिए सॉल्व करना है। इट मींस हमें यहां पे वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है u को, सब ऐसे ही रहेगा, हम इसी में चेंजेस करके आपको y का बना के बताते हैं। तो देखो चेंजेस क्या क्या होंगे, देखो हमें अगर इसी को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो हम यहां पे चेंजेस करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर वन विथ रिस्पेक्ट टू यहां हो जाएगा x की जगह, यहां हो जाएगा y। देखो आपको ऐसा लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू y, आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो y के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करेंगे तो x और z कांस्टेंट हो जाएगा, सो बाय कीपिंग x यहां पे आएगा x, बाय कीपिंग x एंड z एज ए कांस्टेंट। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा चेंज है, ज्यादा बड़ा चेंज नहीं, और ये बहुत ही आसान है। फर्स्ट स्टेप जिसको समझ गया, सेकंड और थर्ड स्टेप बहुत आसान है। तो देखो सेकंड स्टेप में अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यहां पे u का डिफरेंशिएशन हो जाएगा डेल u बाय डेल y, पिछली बार यहां डेल u बाय डेल x था, तो यहां पे हो गया अब डेल u बाय डेल y। ठीक है, और अब यहां पे विथ रिस्पेक्ट टू y अगर आपको डिफरेंशिएट करना है, तो यहां पे x टू द पावर n था, यहां पे x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस वन हो गया, तो यहां पे x टू द पावर n की जगह यहां पे y टू द पावर n आप ऐसा लिख सकते हैं, और विथ रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, ये देखिए डेल बाय डेल y, y टू द पावर n, n इंटू वाई टू द पावर n माइनस वन। तो बिल्कुल वही स्टेप्स हम अप्लाई करेंगे जो हमने लास्ट स्टेप अप्लाई किए थे। तो देखो क्या होगा यहां पे, तो यहां पे y टू द पावर n के फॉर्म में है, अगर ये y टू द पावर n के फॉर्म में है तो सबसे पहले n बाहर निकलेगा, तो ये देखिए पहले हमने यहां n बाहर निकाल दिए माइनस वन बाय टू, देन ब्रैकेट टू द पावर, ये देखिए n माइनस वन, ये n माइनस वन बाय टू है तो n माइनस वन के फॉर्म में आ गया। देन आपको इनर टर्म्स का डिफरेंशिएशन करना है, इनर टर्म्स का डिफरेंशिएशन यहां पे क्या होगा, देखिए इनर टर्म्स का डिफरेंशिएशन बहुत ही आसानी से हम क्या लिखेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा टू वाई, और जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, क्योंकि यहां पे आप वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक्स और जेड कॉन्स्टेंट है, तो एक्स और जेड में जीरो गया, और बस वाई स्क्वायर में हमने टू वाई लिखे, और यहां पे ये जो है यहां पे टू, इसका और इसका टू कट गया, और बचेगा यहां पे वाई बचेगा, ये माइनस तो एज इट इज है, देखिए यहां पे ये थर्ड टर्म में क्या बनेगा, यहां डेल यू बाय डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, और यहां पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये माइनस थ्री बाय टू सेम रहेगा, बस यहां एक्स के जगह आपको वाई लिखना है। ठीक है, x के जगह y, बाकी पूरा इक्वेशन देखिए सेम है, हमने इसको इक्वेशन नंबर, अब हम इसको इक्वेशन नंबर चेंज कर देंगे, इसको इक्वेशन नंबर थ्री दे देंगे, और अब हमें यहां फिर से पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर हम यहां थ्री करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर थ्री विथ रिस्पेक्ट टू यहां हमें y करना है, और ऐसे में फिर से x एंड z आर कॉन्स्टेंट, और हमें फिर से यहां प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है। तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने के लिए देखो पिछली बार जो स्टेप्स थी वो स्टेप्स यहां लिख के हैं, ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स था लेकिन अब हम विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी चेंजेस है। तो यहां डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर यहां पे हो जाएगा, सबसे पहले तो यहां डेल वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देन यहां माइनस जो बाहर है वो बाहर ही रहने दो, और यहां पे आपको प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म, देखिए हमने वन और टू यहां लिख के रखा है, ये फर्स्ट टर्म तो सेकंड टर्म, तो डिफरेंशिएशन करना कैसे है, पहले फर्स्ट टर्म लिखना है, देन सेकंड का डिफरेंशिएशन, देन प्लस सेकंड, देन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, वही हमें करना है। तो चलो देखते हैं, तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो हमने एज इट इज लिख दिए, देखो ये फर्स्ट टर्म एज इट इज आ गया। ठीक है, देन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, सेकंड का डिफरेंशिएशन, इसका मतलब y का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हमने लिख दिया वन, प्लस यहां सेकंड टर्म, यहां हमें सेकंड टर्म क्या लिखना है, सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, y है, तो हम यहां लिख देंगे सेकंड टर्म y, देन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मतलब ये पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन, तो पावर जो है वो हमने सबसे पहले बाहर लिख दिए, यहां पे हम फिर से इसको टू लिख देंगे, बाद में हमें कट करना ही है। ठीक है, देन यहां ब्रैकेट का जो पावर है वो ये देखिए ये n माइनस वन के फॉर्म में है, मतलब थ्री बाय टू माइनस थ्री बाय टू माइनस वन, देन इनर टर्म्स का डिफरेंशिएशन, तो इनर टर्म्स का डिफरेंशिएशन यहां पे चेंज हो जाएगा, जैसे ऊपर में चेंज हुआ बिल्कुल वैसे ही, देखिए जैसे यहां पे चेंज हुआ था वैसे ही यहां, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो, वाई स्क्वायर का ट्वाइस वाई, और जेड स्क्वायर का हो जाएगा जीरो, क्योंकि एक्स और जेड कॉन्स्टेंट है। और अब हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, तो यहां पे हो जाएगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर, देन ये टर्म्स पूरा सेम रहेगा। ठीक है ना, यहां पे आपको चेंजेस करना है, यहां पे एक्स स्क्वायर की जगह यहां वाई स्क्वायर, ठीक है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, यहां पे टू, इसका टू और इसका टू कट गया, तो ये देखिए ये ऐसा इक्वेशन बन गया, हम इसको इक्वेशन नंबर बी कहेंगे। तो ये बहुत ही आसानी से हमने पहले u को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए थे तो वो आया था, फिर हमने u को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किए दो बार तो ये आया है। अब हमें u को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है, हम सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलर टर्म्स,
जैसा आपने x का बनाया, जैसा आपने y का बनाया है, वैसा ही z का बनेगा। चेंजेस कहां होगा, देखिए यहां पे 3x स्क्वायर है, यहां पे 3y स्क्वायर है, वहां पे 3z स्क्वायर रहेगा, रिमेनिंग टर्म्स बिल्कुल सेम रहेंगी। तो चलो थर्ड स्टेप हम यहां एक ही लाइन में लिख देंगे, तो ये हो गया सिमिलरली। सिमिलरली यहां पे हम लिख सकते हैं डेल स्क्वायर u बाय डेल z स्क्वायर, हम डायरेक्टली डेल z स्क्वायर का यहां पे इक्वेशन लिख रहे हैं, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहां पे y स्क्वायर की जगह z स्क्वायर हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर, एक मिनट, टू द पावर माइनस 3 बाय 2 प्लस यहां पे 3y स्क्वायर की जगह 3z स्क्वायर, देन रिमेनिंग पूरा सेम है। तो फाइनली इसको इक्वेशन नंबर दे दो, दैट इज इक्वेशन नंबर c। और अब आपको पता है कि क्या करना है, देखिए प्रूफ दैट में क्या लिखा है, हमें क्या करना है, डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर को, डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर को और डेल स्क्वायर u बाय डेल z स्क्वायर, तीनों टर्म्स को हमें ऐड करना है और देखना है कि जीरो आता है कि नहीं। तो हम लिखेंगे यहां एडिंग, एडिंग इक्वेशन a b एंड c, एडिंग इक्वेशन नंबर a b c, और अब हम देखेंगे क्या होता है। तो लेफ्ट साइड का हम एडिशन करेंगे, डेल स्क्वायर u बाय डेल x स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल y स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u बाय डेल z स्क्वायर, ये हमने लेफ्ट साइड का एडिशन कर लिए। और अब हमें राइट साइड का एडिशन करना है, तो इसका राइट साइड प्लस इसका राइट साइड प्लस इसका राइट साइड, इक्वेशन नंबर a, इक्वेशन नंबर b, इक्वेशन नंबर c। तो चलो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर a लिखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 बाय 2 प्लस 3x स्क्वायर, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस 5 बाय 2 प्लस, अब हमें ये टर्म्स लिखना है, तो यहां पे इक्वेशन नंबर b का जो टर्म है वो हम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यहां माइनस, माइनस के साथ स्टार्टिंग हो रही है इसलिए माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 बाय 2, ये हमने इक्वेशन नंबर b का फर्स्ट टर्म लिख दिए। देन ये जो टर्म्स है वो हम यहां नीचे लिखेंगे प्लस, दैट इज 3y स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर माइनस 5 बाय 2, ठीक है। देन माइनस, अब हमें थर्ड इक्वेशन लिखना है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 प्लस 3z स्क्वायर, एक मिनट ये करेक्टली लिख लेते हैं, 3z स्क्वायर इनटू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर माइनस 5 बाय 2। तो देखिए तीनों इक्वेशंस को हमने यहां लिख दिए हैं, राइट हैंड साइड हम तीनों को ऐड कर रहे हैं, अब देखते हैं यहां पे राइट हैंड साइड में एडिशन करने के बाद जीरो आता है या नहीं। तो सबसे पहले सिमिलर टर्म्स क्या है, देखिए ये देखिए सिमिलर टर्म्स में ये जो ब्रैकेट टू द पावर 3 बाय 2 है, यहां पे भी ब्रैकेट टू द पावर 3 बाय 2 है और यहां पे भी ब्रैकेट टू द पावर 3 बाय 2 है, तो ये तीनों को हम ऐड करेंगे क्योंकि तीनों के आगे जो है वो माइनस लिखा है, तो तीनों को ऐड करने के बाद ये ऐसा हो जाएगा, दैट इज माइनस में 3 ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर माइनस 3 बाय 2। ये देखिए तीनों ब्रैकेट को हमने ऐड कर दिए, माइनस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट माइनस ब्रैकेट, तो ये माइनस 3 ब्रैकेट, ठीक है। देन आफ्टर ये जो बाकी के ये जो 5 बाय 2 वाले ये जो ब्रैकेट है, ये देखिए ब्रैकेट टू द पावर 5 बाय 2, यहां पे भी ब्रैकेट टू द पावर 5 बाय 2, ये कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने के बाद देखेंगे क्या आता है, इसमें आएगा 3x स्क्वायर, इसमें आएगा 3y स्क्वायर और लास्ट में आएगा 3z स्क्वायर, और जो कॉमन चीज है वो बाहर निकल गई, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर माइनस 5 बाय 2, ये देखिए ऐसा, ठीक है। हमने क्या किए, यहां पे ब्रैकेट टू द पावर 5 बाय 2 कॉमन ले लिए, तो इसमें x स्क्वायर निकल गया, इसमें y स्क्वायर निकल गया, इसमें z स्क्वायर निकल गया, तो ये हमने ब्रैकेट में करेक्ट कर लिए। और अब यहां पे कॉमन ले लो 3, यहां पे 3 कॉमन ले लो, इसको कुछ मत करो, इसको फिलहाल एज इट इज रहने दो, यहां पे सिर्फ 3 कॉमन ले लो और अब इसको थोड़ा स्टेप वाइज सॉल्व करो, 3x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3 बाय 2 प्लस, यहां पे 3 कॉमन ले लो, तो ये बना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर और यहां पे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर टू द पावर माइनस 5 बाय 2। अगर आप प्रॉपरली चेक करेंगे तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट दोनों सेम है, तो ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो, अगर आप ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका जो पावर है वो ऐड हो जाएगा, इसका पावर माइनस 5 बाय 2 है लेकिन इसका पावर क्या है, देखिए इसका पावर 1 है, ठीक है, ये ब्रैकेट का पावर देखिए यहां माइनस 5 बाय 2 है तो, और इसका ब्रैकेट का पावर 1 है, तो जब आप ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, पावर को जब ऐड करेंगे तो इसका पावर बन जाएगा माइनस 3 बाय 2, ठीक है। तो ये जो पहला ब्रैकेट है ये एज इट इज रहने दो, माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
टू द पावर माइनस थ्री बाय टू एज इट इज है, देन ये प्लस, देन ये थ्री एज इट इज, और अब ये बना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये इसका पावर हो जाएगा माइनस थ्री बाय टू। कैसे? क्योंकि यहां वन और वो माइनस फाइव बाय टू को हम ऐड कर रहे हैं। ये देखिए हम यहां पे आपको सॉल्व करके बताते हैं, यहां पे माइनस फाइव बाय टू को वन के साथ ऐड किया जा रहा है, तो यहां पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो ये हो गया माइनस फाइव प्लस टू बाय टू, तो ये हो गया माइनस थ्री बाय टू, ऐसा। ठीक है ना, यहां पे हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन है ना, और ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन ऐसा, और ये माइनस थ्री बाय टू, तो ये यहां पे आ गया। और अब देखिए ये दोनों ब्रैकेट जो है वो एक्जैक्टली अपोजिट है एक मेक के, इसके आगे माइनस है उसके आगे प्लस है, इसका मतलब ये हो गया जीरो, और यही हमारा आरएचएस है, और ये प्रूफ हो गया। तो फाइनली जो चीज प्रूफ करने के लिए कहा था वो हमने कर लिए। इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लिख सकते हैं, दैट इज डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू बाय डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूफ देयरफॉर। तो ये प्रूफ हो गया। तो फाइनली बहुत ही आसानी से ये प्रॉब्लम हमने कंप्लीट कर लिए। ये था पार्शियल डिफरेंशिएशन का प्रॉब्लम नंबर 4। इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 3 प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ मैथमेटिक्स के और भी कई टॉपिक्स हमने स्टडी किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स जिनको इसकी जरूरत है आप उनके साथ इसको शेयर करिए, कुछ डाउट्स है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपने अगर अभी भी अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह के यूजफुल वीडियोज आपको हमेशा मिलते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।